किस करना, चुम्मा चाटी करना भी खुल्लम खुल्ला सब से नहीं चाहते हैं, वो अश्लीलता की श्रेणी में आता है। ठीक है, बस मैं वही कह रहा हूँ, और वो हमारे यहाँ सार्वजनिक जगह सार्वजनिक स्थानों पर वो अच्छा नहीं मैसेज माना जाता, वो भारतीय संस्कृति के, हमारे यहाँ ऐसी सभ्यता नहीं होती। यदि आप भी सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता फैलाओगे वैलेंटाइन डे के नाम पर, तो आपको भी कानून सजा देगा, और जो भी वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता फैलाएंगे उनको हिंदूवादी कार्यकर्ता थाने तक पहुंचा सकते हैं। सभी लोग ध्यान रखें, प्यार रोज करें, प्यार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, प्यार एक दिन नहीं होता, रोज करें। हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, हमेशा प्यार बांटते रहें। राधा कृष्ण के हिसाब से प्यार होता है हमारे देश में, ठीक है। प्यार का दिन एक दिन भी तय था हमारे यहाँ, ठीक है। बसंत उत्सव, बसंत ऋतु जब आती है तो फूल खिल जाते हैं, पतझड़ जो हो जाता था, सारे हरे भरे पेड़ पौधे हो जाते हैं, प्यार करने का समय आ जाता है। तो अभी भी चालू हो चुका है बसंत उत्सव के रूप में, आप और बसंत ऋतु आते ही सब प्यार करने लगते हैं, सब प्यार करें, प्यार मोहब्बत करें। लेकिन भारतीय कानून के अनुसार आप बाहर खुल्लम खुल्ला में, भारतीय कानून और भारतीय सभ्यता आपको खुल्लम खुल्ला में कुछ करने की इजाज़त नहीं देती। वो हरासमेंट नहीं होता, वो उनको समझाने जा रहे हैं तो वो आगे पीछे भाग रहे हैं इधर उधर, वो हरास नहीं है। उनको यदि कोई भी कार्यकर्ता ऐसा करता है तो मैं उन कार्यकर्ताओं से बोलूँगा, उन जो वैलेंटाइन डे मनाएं उनको समझाएं, हरास ना करें, उनको समझाएं। और यदि कोई अश्लील हरकत करता है तो उसके लिए कानून है, वहीं 100 नंबर करें, वहीं पुलिस को बुलाएं। प्यार का दिन कोई एक नहीं होता, हमेशा प्यार करो। सिर्फ वैलेंटाइन डे के नाम से ही आप वैलेंटाइन डे को ही एक आपने एक फेस्टिवल के रूप में खड़ा कर दिया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि फेस्टिवल नहीं है, हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे दिन हैं, ठीक है। उस दिन आप कर सकते हो, प्यार का इजहार करना है तो इजहार करो, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। सार्वजनिक जगह पर आप अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता और किसी भी हिंदू संगठन को कोई आपत्ति नहीं होगी, वो सब आपके साथ होंगे। लेकिन यदि आप कानून तोड़ोगे तो वो कानून को वो पुलिस के साथ लेके आपको थाने तक भी पहुंचा सकते हैं, ये ध्यान रखना।